दोस्तों, आप में से ना जाने ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि काश हम भी इन चैनल्स की तरह YouTube पर मूवीज डाल करके पैसे कमा पाते। लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो और कमाना चाहते हो तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे चाहने वाले जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो सोच रहे होंगे कि पंकज भाई 5 दिनों से आप कहाँ गायब थे। तो भाई मैं एक्चुअली आपको बताऊं, सो मैं इन MCN को ट्राई कर रहा था जिसके थ्रू ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ये पैसे कमा रहे हैं। आपको आज की इस वीडियो में एक्चुअल रीजन पता चलने वाला है कि कैसे लोग अपने यूट्यूब चैनल पर मूवीज अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं और उनके पास इस तरीके का ब्लॉग या कॉर्पोरेट क्लेम का इश्यू क्यों नहीं आ रहा है, उनके चैनल क्यों मोनेटाइज हैं। और अगर आप भी एक बिगिनर हैं और अपलोड करना चाहते हैं मूवी, सो आपको इस ब्लॉग्ड वाले सेक्शन को कैसे सही करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है उनसे अलग होगी, जितना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सो बस इतना कहूंगा कि नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग बिल्कुल मिस ना कर सको। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप जाकर के मूवीज अपलोड करो, बिकॉज ये एक यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आप इसके खिलाफ जाते हो तो भाई आपको जेल भी हो सकती है और आपका चैनल भी उड़ सकता है। तो जो चीज आपको बता रहा हूं इनको समझना है, फिर आप खुद डिसीजन लेना कि भी आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अभी कैसे को पहले एक चीज समझ लेते हैं कि यहां पर ये जो चैनल्स हैं बड़े बड़े, ये कैसे करके मूवीज को अपलोड कर पा रहे हैं। पहले आप इस चीज को समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने कौन कौन से MCN को ज्वाइन किया है, जिसके बारे में मैं आप कुछ जितनी हो सकता है मेरे से उतनी रिसर्च करके आया हूं। आई थिंक आपको कुछ मतलब काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस, तो समझना। सबसे पहले यहां पर ये चैनल देखो, ये चैनल है RG एंटरटेनमेंट। इसके अलावा और भी काफी सारे चैनल्स हैं। तो ये कुछ चैनल्स दोस्तों देखो ऐसे हैं जो चैनल ऑफिशियल उन्हीं कंपनीज के हैं जो लोग मूवीज वगैरह बनाते हैं या जिनसे टाइप लोगों ने कर रखा है। जैसे मान लो कि RR मूवी है, ठीक है। अब इसका टाइप क्या पता पैन मूवीज वालों के साथ हो। तो ये क्या होता है कि जब तक मूवी हॉल में चलती है उसके बाद 2-3 महीने बाद ये लोग क्या करते हैं, इनका टाइप होता है या फिर ये लोग पैसे वगैरह देते हैं और अपने चैनल पर मूवीज को अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये मिरुगा करके कोई मूवी है तो इन्होंने टाइप कर रखा होगा, पहले से इनका साइन उमैन होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 2-3 महीने तक तुम हॉल में चलाओगे, फिर हम तुम्हारी मूवीज को अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। मतलब जो मूवीज होती हैं वो लोग ये लोग बेच देते हैं बड़े बड़े चैनल्स को, ठीक है। और ये चैनल्स भी खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मिल जाती है भाई। अब यहां पर इनके पास पैसा होता है तो ये लोग मूवी परचेस कर लेते हैं, उनके क्रेडिट्स बाय कर लेते हैं। अब आपके पास तो पैसे नहीं है भाई, तो आप कैसे कैसे क्या करोगे। तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो लोग क्या करते हैं, कुछ स्कैम टाइप का करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ ऐसे MCN को ज्वाइन कर लेते हैं जो ये सुविधा देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इंडिया में उस मूवी को ब्लॉक करके और सभी देशों में उस मूवी को दिखा सकते हो। अब दिखाता हूं आपको कैसे। अभी कैसे को ये एक चैनल है RG एंटरटेनमेंट करके, अभी इंडिया में हम लोग हैं तो यहां पर आपको केवल देखो 4 ट्रेलर देख रहे होंगे। और ये जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, ये वीडियोस एक एक 4-4 साल पुरानी है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं जो बिगिनर है उनको समझ में आएगा, जिनको पता है उनके लिए तो और अच्छी बात है। तो यहां पर मैं एक VPN कनेक्ट करूंगा US का, मतलब यहां पर हमारी जो IP है वो US की IP हो जाएगी। अब देखना, ये US का मैंने VPN कनेक्ट किया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब आप लोग यहां पर देखना जो RG एंटरटेनमेंट है इसमें, अब आप लोग यहां पर देख लो, अभी केवल 4 आपको ट्रेलर देख रहे थे, एक एक 2-2 साल पुराने, 4-4 साल पुराने। अब यहां पर प्रॉपर आपको मूवीज देख रहे होंगे। ये देखो 20 घंटे पहले ये रक्षाबंधन मूवी अपलोड करी गई है, और यहां पर देखो 1.4 मिलियन। गाइस देखो, अब जिनको मूवीज देखनी हो तो वो यहां पर डेफिनेटली देख सकता है फुल HD में, क्योंकि भाई इस बंदे ने MCN ज्वाइन करके रखा है, देन तभी ये मूवी केवल US में इनेबल हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने कोई क्रेडिट बाय करे होंगे या इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो। तो कुछ चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जो ऑफिशियल होते हैं जो क्रेडिट बाय करते हैं, और कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो MCN के थ्रू ज्वाइन है, या आई डोंट नो इन्होंने और क्या कर रखा है जिससे वजह से इनकी मूवी यहां पर शो हो रही है। बहुत सारी मूवीज है, ये देखो मैं हूं,
सरफिरा, ये सारे के सारे रियल मूवी हैं। ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ है और मूवी कुछ और है, कुछ नहीं भाई, रियल है सारी की सारी। और अगर आप लोग पाकिस्तान का वीपीएन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ मूवीज चेंज हो जाएंगी, कुछ मूवीज सेम रहेंगी, ठीक है। तो समझ रहे हो किस तरीके का गेम यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों के पास भाई पैसा भी अच्छा खासा है, 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, अपने और भी चैनल को क्रिएट कर रखा है। जैसे कि एक ये है आरजी इंटरटेनमेंट प्लस, यहाँ पर मैं फिर से वीपीएन कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखना कि यहाँ पर अभी कोई वीडियो नहीं है, अभी कोई भी मूवी यहाँ पर अपलोड नहीं है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर देखना कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई पक्का। ये देखो भूल भुलैया मूवी पूरी अपलोड कर रखी है यहाँ पर, एक विलन रिटर्न पूरी मूवी यहाँ पर अपलोड की गई है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, समझ रहे हो। सो इस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, अब उस चीज पर समझते हैं। देखो गाइस ये पैन मूवीज वगैरह हो गया, ये आदित्य मूवीज हैं, मुझे लगता है ये ऑफिशियल ये लोग क्रेडिट बाय करते हैं या इन्होंने भी कुछ ना कुछ बाई कर रखा है, इतना मेरे को डीपली नहीं पता, क्योंकि इतने बड़े चैनल्स हैं तो भाई कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगाई होगी। लेकिन जहां तक मैं पहुंच पाया मैं आपको बता रहा हूं। देखो गाइस कुछ ऐसे एमसीएंस हैं रियलिटी में जो आपको कंट्री ब्लॉक करने का ऑप्शन देते हैं आपके यूट्यूब स्टूडियो में, जब आप इनके पार्टनर बन जाते हो फ्रीडम के या मीडिया क्यूब के या ऐसे और भी काफी सारे एमसीएन है, तो ये लोग कंट्री ब्लॉक करने का आपको ऑप्शन देते हैं। बिकॉज जब आपकी खुद की अर्निंग होगी देन तभी मतलब तभी ये लोग आपको ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इनको भी भाई पैसे चाहिए एमसीएन वालों को, ऐसे कौन किसी को ज्वाइन कर लेगा, समझ रहे हो। सो यहाँ पर मैंने जहां तक देखा दो एमसीएन मेरे को ट्रस्टेबल लगे, पहला है फ्रीडम, दूसरा है मीडिया क्यूब। फ्रीडम भी आपको कंट्री ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं देता और ना ही मीडिया क्यूब आपको कंट्री ब्लॉक करने का ऑप्शन देता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फ्रीडम और एमसीएन आपकी अर्निंग को दुगना करने में हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। बिकॉज इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब स्टूडियो में या उन चीजों में आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, जितने फीचर्स आपको फ्रीडम में मिलते हैं। यहां आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, यहां आपको ऐसे म्यूजिक मिलते हैं जो आपको लाइब्रेरी में या वहां पर नहीं मिल सकते, जिन्हें आप यहां पर यूज कर सकते हो। एंड इन फ्रीडम को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो ये लोग उसको हटाने में पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं, या ये लोग आपको पहले ही अवेयर कर देंगे कि इस पर ये हो सकता है वो हो सकता है। सो इस तरीके से ये दोनों एमसीएन आपकी मदद करते हैं बहुत ज्यादा, बट इनका रेवेन्यू का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप इतना परसेंट ये आपको देंगे, इतना परसेंट खुद रखेंगे। मैं आपको पहले मीडिया क्यूब का बताता हूं, मैंने यहां पर देखो दोनों में अप्लाई किया, मेरा दोनों में रिजेक्शन आया है। मैंने फ्रीडम में अप्लाई किया था, इसमें भी मुझे अप्रूवल नहीं मिला, और मैंने जो मीडिया क्यूब है इसमें भी अप्लाई किया था, इसमें भी मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। ये रहा मेरा चैनल बरेली के ब्लॉग्स, ये चैनल मोनेटाइज है, आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, ये देखो चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, बट अप्रूवल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला अब आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर मीडिया क्यूब की कुछ पॉलिसी है उनको पढ़ लो। यहां पर मीडिया क्यूब ये कहता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, ठीक है, और आपका चैनल एडसेंस अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है और एडसेंस अकाउंट से लिंक्ड है, ये तो क्राइटेरिया मेरे पास पूरा है। उसके बाद एमसीएन कहता है, ये वाला मीडिया क्यूब एमसीएन कहता है कि आपके वीडियोस पर लास्ट 30 डेज में 1 लाख व्यूज होने चाहिए। सो भाई ये तो मेरे पूरे थे नहीं, जिस वजह से मुझे रिजेक्शन आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपकी फर्स्ट वीडियो शुड बी अपलोड मोर देन मंथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक एक महीने के बाद वीडियो को अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वीडियो मतलब यहाँ पर एक महीने में आपकी पहली वीडियो आनी चाहिए, समझ रहे हो, ये इनका कहना है। और यहाँ पर आपको अपने चैनल पर हर महीने 3 वीडियोस अपलोड करनी होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर बता करके रखा है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका कंटेंट खुद का होना चाहिए, थर्ड पार्टी कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो अब आप लोग यहाँ से खुद समझो कि जब ये लोग खुद बोल रहे हैं कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, सो इस चीज से यही सामने आता है कि भाई आप यहाँ पर जो मूवीज वगैरह हैं उनको यूज नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी कंटेंट यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ये जो इश्यू आ रहा है ना ब्लॉक्ड वाला, ये अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, तो उसको देखे बगैर मत जाना,
ठीक है, इसको देखे बगैर मत जाना, आप लोग को समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके चैनल पर 5 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, लगभग हर वीडियो पर 5000 व्यूज होने चाहिए, और यहाँ पर और भी इतनी चीजें हैं, बस सेम चीजें आपको मिलेंगी फ्रीडम में। अब ये सब चीजें अगर आपकी पूरी है देन आप फ्रीडम में या मीडिया क्यूब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, और MCN ज्वाइन करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, मूवीज चैनल के लिए बता रहा हूं। अब एक्चुअल में यहां पर कंट्री ब्लॉक्ड के लिए MCN वर्क करते हैं, मुझे जहां तक लगता है ये जो फ्रीडम और मीडिया क्यूब है इनमें शायद ही आपको कंट्री ब्लॉक करने का ऑप्शन मिले, लेकिन और भी काफी सारे MCN है जिनको मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे वो ट्रस्टेबल ज्यादा नहीं लगे। So, हो सकता है कि उनमें कंट्री ब्लॉक करने का ऑप्शन हो, बिकॉज ये लोग कहीं ना कहीं से तो यार कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं जहां से कंट्री ब्लॉक हो रही है, समझ रहे हो। यहाँ पर कैसे US में ये मूवीज दिख रही हैं, इंडिया में नहीं दिख रही, तो कुछ ना कुछ तो भाई तिगड़मबाजी चल रही है। मैं एक्चुअल तक इस चीज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने इतना पता कर लिया कि जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर मूवीज अपलोड कर सकते हैं। कैसे, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक RR मूवी है उसको पूरा डाउनलोड किया था, ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्वालिटी इसकी कम है, ये मैंने RR मूवी को पूरा यहाँ पर डाउनलोड किया है, ये लगभग 1-2 घंटे की पूरी मूवी है, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 15 मिनट का यहाँ पर निकाला, मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड में टाइम लगता। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चीज देखी जो मेरे को समझ में आया, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, मेरी वीडियो को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब हमें इसको हटाने कैसे, अब वो चीज समझते हैं। देखो जब भी आपके पास इस तरीके का एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम का एरर डेफिनेटली आएगा, आपको क्लिक करना है सी डिटेल्स पर। और अब यहाँ पर क्या खेल यूज करते हैं कुछ लोग जो आपको कभी नहीं बताएंगे, वो आपको बताता हूं। यहाँ पर आपके पास 3 से 26 मिनट से लेकर 15 से 26, इतने बीच के दौरान आपके पास कॉपीराइट क्लेम आया है और ये चीज आपकी ब्लॉक कर दी गई है, हटा दी गई है सभी कंट्रीज में, ठीक है। अब इसको कैसे सही करना है वो समझते हैं। देखो गाइस, होगा ये कि जब भी आप कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जाओगे ना, उसमें आपके पास लगभग 15 मिनट या 20 मिनट की ऐसी वीडियोस क्लिप्स होंगी जो आपकी ब्लॉक कर दी जाएंगी, पूरी मूवी कभी ब्लॉक नहीं होती, इतना समझ लेना, आपको चेक करके देखना है। अब यहां पर आपको करने का है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर 3 डॉट आपको देखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको फर्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है डिस्प्यूट पर। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर, एंड यहां पर आपको 3rd वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये जितना भी है इसको कर लो यहां से कॉपी, ओके। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डिस्प्यूट पर ही क्लिक रहने देना है, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहां पर आप उसको पेस्ट करोगे जो आपने कॉपी किया था। यहां से आप लोग इसको एजुकेशनल या इंटरटेनमेंट कुछ भी चूज कर सकते हो, और इन तीनों पर आपको क्लिक करना है, एंड यहां पर आप लोग अपने चैनल का जो भी नाम है वो आप लोग यहां पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है इस तरीके से, एंड यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है इसको समझ लो। देखो जिन्होंने भी ये हमको कंप्लेन दी है, मतलब जिन्होंने जो हमारी वीडियो ब्लॉक करी है इतने से इतने मिनट तक की, ये लोग के पास हमने एक मतलब एक हमने अपना कॉपीराइट क्लेम वाला एक मैसेज सेंड किया है। ये लोग क्या करेंगे, उस मैसेज को अगर 30 दिनों तक, यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर 30 दिन के पास तक उन लोगों के पास टाइम होता है, वो लोग हमारे इस मूवी को देख करके अगर उनको लगता है कि भाई इसमें कोई इशू नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्यूट कर देंगे और यहां पर आपके वीडियो को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इन लोगों के पास 30 दिनों तक का टाइम होता है, बट यहां पर अगर ये लोग 30 दिनों तक कोई भी रिप्लाई नहीं करते, कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो यहां पर आपकी जो मूवी है ना, ये मूवी आपकी YouTube ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड इनेबल कर देगा, समझ गए। ये चीज मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखी है। अब कुछ चैनल्स क्या करते हैं, देखो यहां पर वैसे तो आपको दिखेगा 38 दिन तक, लेकिन ऊपर यहां पर मैसेज देखो, यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ना, ऊपर यहां पर मैसेज आ रहा है कि योर वीडियो विल रिमेन ब्लॉक फॉर फर्स्ट 48 आवर, मतलब यहां पर आपकी जो वीडियो है वो केवल 48 घंटे के लिए ब्लॉक करी गई है, केवल 48 घंटे के लिए। और जो आपने डिस्प्यूट का यहां पर मैसेज भेजा है, अगर वो लोग, देखो 30 दिन तो छोड़ो, अब केवल 48 घंटे का उन लोगों के पास टाइम है, अगर वो लोग 48 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हैं तो सही, वरना 48 घंटे के बाद
क्या होगा कि आपके वीडियो को YouTube ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड इनेबल कर देगा, जो ब्लॉक्ड हुई है वो इनेबल कर देगा। 30 दिन का टाइम उन लोगों के पास है, अगर वो नहीं करते हैं तो YouTube खुद यहां पर कर देगा। वैसे तो 48 घंटे में खुद आपकी मूवी जो है वो वर्ल्ड वाइड इनेबल हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास 30 दिन का टाइम होगा, वो लोग चाहें तो आपकी वीडियो को हटा सकते हैं, ठीक है। अगर वो 30 दिन तक रिप्लाई नहीं करते, 31वें दिन रिप्लाई करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी मूवी जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इस चीज को समझ गए ना, नहीं समझे तो दोबारा से एक बार और देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो ये पूरा सीन है, फिलहाल मैं ये आपको मतलब ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है गाइस, इस चीज को समझ लेना। सो अब यहाँ पर आप लोग जितने भी चैनल्स को देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं न्यू साउथ मूवीज, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा। अब यहां पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ना ही किसी कंपनी के हैं, ना ही उन लोगों ने एमसीएन ज्वाइन कर रखा, लेकिन फिर भी वो चैनल पर मूवीज अपलोड हैं और कोई मूवी ब्लॉग भी नहीं है, कुछ नहीं है। सो सेम यही ट्रिक वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई है। अब ये ट्रिक मुझे कहां से पता चली, तो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत छानबीन करी है, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो मिली, कुछ मैंने मतलब ऐसे लोगों के से जाना जो एक्चुअल में यहां पर वर्क कर रहे हैं। मैं किसी के नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी के, और ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो पर स्ट्राइक वगैरह आ जाए। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक भाई मैंने कोई घुमा फिरा करके बताई है तो नहीं है, आप खुद से ट्राई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं ये काम नहीं करने वाला बिकॉज इसमें खतरा भी है, बाकी लोग अर्न कर रहे हैं भाई, तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपको और भी अगर ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर के आऊंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करो, एम रखते हैं 500 लाइक्स का, 500 लाइक्स करा देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।